हीर का कमरा भी सेट कर दे हैं, स्टाइल तो तेरा बहुत है। मैं क्यों? घर के मुलाजिम मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए है क्या? और आपको तो पता है मेरा लाइफस्टाइल, मैं सब कैसे। बस ठीक है, जरूरत नहीं है, साफ है मेरा कमरा, कोई नहीं आएगा मेरे कमरे में। अम्मा जी, आपने एमी में भेज दिया माहिर भाई को, मोना के साथ जाने का उनका बिल्कुल भी दिल नहीं था। पुत्र, वो मेहमान बच्ची है, परौनी है साड़ी, देखना उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। जो भी अम्मा जी, फिर भी उनका कितना मुंह। माँ जी, वो मेहमान आया है। मेहमान? मेरे ससुराल वाले आए होंगे। आ जाए अम्मा जी। आई आई आई। कौन आए? वो पड़ोसी नहीं अपने, वो साथ सुराते हैं। आए है। चल फिर। बैठिए 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 ना आंटी जी, मैं आपके लिए ना चाय का बंदोबस्त करती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम कहाँ जा रही हो, तुम मेरे पास ही बैठो, मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, माशाल्लाह, दिन भर तक पास बैठी रही। अम्मा जी देखिए, आपके पड़ोसी आए हैं। हल हल, तशरीफ रखो जी, बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखो, बैठ जाए बैठ जाए। सौ बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। आप मुझे तो जानती ही होंगी, हम मिले पहले। हाँ, आपने मेरी तारीफें भी की थी, याद है आपको? मैं किसी की तारीफ नहीं करती। आपकी बेटी कैसी है अब? जी अल्लाह का शुक्र, अब चंद रोज में स्कूल जाने लगेगी। है। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आई थी, रानिया ने बहुत बड़ी निकी की है हमारे साथ, आपने हॉस्पिटल में मेरे रहते हुए अयाज और फरहाद का जिस तरह ख्याल रखा है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नहीं जी, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है ना, वो एक मुहावरा है ना इस तरह, अच्छा जया बिल्ली खम्मा नोचे, बंदर क्या जाने अदरक का मजा, कव्वा चला हंसकी चाल। हम साया मां जाया। आखो, ओ वाला मामरा। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखे कितनी माशाल्लाह इस बच्ची ने तो इतनी अच्छी बात की है, बहुत ही फरिश्ता है, फरिश्ता बड़ी प्यारी बच्ची है, इतनी हमदर्द हंसमुख माशाल्लाह। मामा, मामा ये राबेल है, ईरानी की कजन है, ये भी बहुत प्यारी बहुत हमदर्द है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। तो मैं आपको क्या बता रही थी, माशाल्लाह ये हॉस्पिटल में सबका ख्याल रखती थी, हर मरीज का ख्याल रखती थी, सबके साथ घुल मिल जाती थी, सबकी दुआएं लेती थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। मामा, मामा वो राबेल जो है वो इनका कॉलेज लाइबा के स्कूल के बिल्कुल साथ ही है, तो क्यों ना कल से लाइबा को राबेल के साथ ही भेज दिया करें। हाँ, सोचा जा सकता है। अच्छा तो बेटा रानिया, तुम्हारे एडमिशन कब हो रहे हैं? वैसे मैं ये सोच रही हूँ तुम जैसी समझदार बच्ची जिस भी अदारे में तालीम हासिल करेगी उनका फखर का बायस बनेगी। मेरी रानिया तो मेरे फिरा अनवार सिद्दीकी की कापी है, दोवे अपने खानदान का फखर है। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो दिन रात इसकी तारीफें करती हूँ। मैंने तो लाइबा को भी कहा है कि दिन रात ज्यादा से ज्यादा टाइम रानिया के साथ गुजारा करे, इतनी प्यारी लगती है मुझे, माशाल्लाह मेरा दिल करता है इसे मैं घर ले जाऊँ, इतनी समझदार बच्ची। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी और सबसे हमदर्द लड़की आज से मेरी बहन है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मतलब आप इतनी चुप और इतनी अच्छी, इतनी बुरबार, कूलनेस आप पे खत्म है, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? गल सुनो, है इसका बंदा जेड़ा है ना, ए वड्डा समझदार है। मेरे ख्याल में निकलना चाहिए बाजी। बैठ जाओ। अरे किसी बिठाया हुआ बाजी, तुमने भी किसी को बहन बनाना था? अरे नहीं भाई,